पाली जिले में सुमीरपुर के पूर्व प्रधान और जिला परिषद सदस्य हरी शंकर मिबाड़ा ने दोपहिया वाहन रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। सुमीरपुर के नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में डीएम एसपी सदस्य सुमीर सिंह मनबार ने वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सुमीरपुर से रवाना हुई वाहन रैली का समापन तखतगढ़ के में आम सभा के साथ में हुआ है। इस दौरान पूर्व प्रधान हरी शंकर मिबाड़ा ने कहा कि कांग्रेस पिछले 10 साल से सुमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में आ रही है और इस बार भी पैरासूट को टिकट दिया तो बुरी तरीके से हारेगी। इस मौके पर पूरे विधानसभा क्षेत्र से हजारों की तादाद में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे। वैसे तो पिछले लंबे साल से 18 साल से जनता के बीच में हूँ और जनता की सेवा करता हूँ, लेकिन 26 तारीख से जो हमारे लोग लाले अशोक जी गहलोत साहब ने एक से बढ़कर ये योजना निकाली है। यहाँ विडम्बना है कि यहाँ सारे भाजपा का है बोर्ड, नीचे से लेकर ऊपर तक सब भाजपा का बोर्ड है, इसलिए आम जन को फायदा नहीं मिल रहा था। इसलिए मैंने जन जन आम घर घर ढाणी ढाणी रैली के रूप में निकाल के जनता को उसका संदेश दिया, उनका फायदा कैसे मिले, उस योजना का पूरा लाभ मिले, ये मैंने प्रचार प्रसार किया।